मनुष्य सृष्टि विरुद्ध वैरायटी है, अनेक धर्म और अनेक ही हरेक धर्म का हरेक अपना अपना, तो ये सब वैरायटी संसार कहा जाता है। एक न मिले दूसरे, तो ये संसार अभिवृद्धि को पाकर कर सके, अभी फिर ये वृद्धि भी तो कम होगी ना, कई चीज बढ़ती है, फिर बढ़ती है तो फिर उसको उसकी एंड भी होनी है। ऐसे नहीं है कि ये वृद्धि होते 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 वृद्धि ही चलती रहेगी, नहीं, जो चीज बढ़ती है उसको फिर घटना भी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी सारी चक्कर को अभी बुद्धि ने समझा है और अभी जानते हैं कि ये वृद्धि को पाया हुआ वृक्ष अभी उसकी एंड चाहिए। ऐसे नहीं है कि अभी और आगे वृद्धि होती चले, नहीं, अभी वृद्धि को पा चुका है, अभी इसका अंत होकर करके फिर नई दुनिया कहो या वो सुख की दुनिया कहो, जिसमें फिर संख्या थोड़ी। अभी जब वृद्धि को पाता है तो संख्या बहुत है, और जब वृद्धि को पाना होता है तो दुख भी वृद्धि को पाता है। जब संख्या थोड़ी है, जिसको सतयुग कहा जाता है, तब फिर ऐसा नहीं कहेंगे कुछ ही टाइम फिर सुख की दुनिया है। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है, इसीलिए अभी ये वृद्धि को पाया हुआ दुख कोई बढ़ने का है, लेकिन ये जब वृद्धि पूरी होगी तो ये दुख का भी अंत का समय पूरा रहेगा और फिर सुख की दुनिया। और उसमें जरूर है कि ये धर्मों की और इतनी संख्या की वृद्धि जो पीछे पीछे हुई है, तो जरूर है ये इतने अनेक धर्म भी तो फिर नष्ट होंगे ना, फिर इसके नाम निशान नहीं होंगे।